Hello guys, welcome back to my channel again. My name is Karan and the page is Exam Tapri, as you all know. And thank you for your kind support and liking us first of all. So guys, आज हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं. One of the reputed exam, NTSC, National Talent Search Exam. इसके बारे में हम लोग बात करेंगे. Notification आ चुका है. बहुत सारे बच्चों के question थे कि सर इस बार NTSC का exam नहीं होगा क्या? ऑलरेडी नवंबर निकल चुका है तो कब एग्जाम होगा. बेसिकली ये एग्जाम जब होता है तो नवंबर मंथ में ही होता है, लेकिन इस बार ये एग्जाम थोड़ा सा पैंडमिक के कारण थोड़ा सा रीशेड्यूल हो गया है और दिसंबर मंथ में ये एग्जाम होगा. ठीक है, तो अब इसकी डेट जो आई है वो है 12 और 13 दिसंबर. 12 दिसंबर किन के लिए है? 12 दिसंबर जो आई है नागालैंड और आसम मिजोरम यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं इनके लिए 12th है और रेस्ट ऑफ द स्टेट्स के लिए और यूनियन टेरिटरीज के लिए 13 दिसंबर की इसकी तारीख रखी हुई है. तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सोच देखते हैं हम लोग और समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जाम है क्या. NTSC का मतलब नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम. नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम जो है कंडक्टेड बाय NCERT. NCERT कंडक्ट करता है और बेसिकली सिर्फ और सिर्फ 10th क्लास में ये एग्जाम स्टूडेंट दे पाता है और 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए ही एग्जाम होता है. एलिजिबिलिटी क्या है? 9th क्लास में 60% होने चाहिए और आज इस बार तो सबको 9th क्लास में प्रमोट कर दिया है, तो मेरे को लगता है 60% वाला क्राइटेरिया भी इस बार शायद आप लोगों के लिए नहीं होगा. तो बहुत ही अच्छी बात है कि सारे के सारे जो स्टूडेंट हैं 10th क्लास में वो ये एग्जाम दे पाएंगे और बिल्कुल ये एग्जाम देना चाहिए आपको. तो आप देखते हैं इसमें आता क्या क्या है. देखिए NTSC की बात करते हैं गाइस, तो NTSC में दो स्टेजेस में होता है. एक मैट होता है, MAT, मैट मेंटल एबिलिटी टेस्ट, है ना. एक SAT होता है, स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट. अब जब मैट की बात करते हैं तो इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं और एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होते हैं, अब है ना, इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं और 100 मार्क्स का एक क्वेश्चन पेपर होता है पहला. बेसिकली अगर आप स्टेज वन की बात करें, जैसे कि इसमें दो स्टेजेस हैं, तो स्टेज वन का जो पेपर है वो होगा आपका अभी इन द मंथ ऑफ दिसंबर और जो स्टेज सेकेंड का है वो जनरली इन द मंथ ऑफ मई होता है, लेकिन अभी उसकी एक्चुअल डेट आई नहीं है. ठीक है, तो अगर अपन बात करें फर्स्ट स्टेज की, तो फर्स्ट स्टेज के भी दो एग्जाम, मैट 2 घंटे का, SAT 2 घंटे का. मैट का मतलब है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, SAT का मतलब है स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट. अब इसको थोड़ा सा अलग अलग बाइफरकेशन कर लेते हैं. मैट 100 नंबर का मैंने आपको बताया, जिसमें मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग से जुड़े हुए क्वेश्चंस आपके आते हैं और ज्यादातर बच्चे इसमें बहुत अच्छे मार्क्स लेके आते हैं. अगर आप मैट में देखोगे जिन बच्चों ने कहीं कोचिंग कर रहे हैं तो वो स्टूडेंट्स इस मैट वाले पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, क्योंकि एक तो ये मतलब मॉर्निंग पहली चीज तो मॉर्निंग वाले बैच में होता है, सबसे पहले मैट का ही पेपर होता है और उसके बाद दूसरा इसमें रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं. तो जिन बच्चों का रीजनिंग और मैथ में सॉल्विंग कैपेबिलिटी अच्छी है तो मैट के पेपर में जनरली अच्छे मार्क्स गेन कर लेते हैं. सेकेंड जो पेपर है SAT, स्कॉलरस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट है. इसमें होता है आपकी सोशल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी, है ना. 50 नंबर की इसमें ये आती है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी होती है, है वो होती है 40 नंबर की. 50 नंबर की इसमें आपकी सोशल साइंस आती है और 10 नंबर की इसमें मैथमेटिक्स आती है. तो 100 नंबर का पेपर ये भी हो गया. तो बहुत ही अच्छा पेपर है दोनों ही, फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज के. अब देखिए इसको क्वालिफाई करने के लिए क्या करना है. क्वालिफाई करने के लिए अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर अगर आप देख लें तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं पहली चीज़. या कहीं बहुत सारी कोचिंग्स में भी ऑलरेडी क्रैश कोर्सेज चल रहे होंगे, NTSC के शुरू हो जाएंगे कुछ दिनों में, वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं. तीसरा, आप अपनी सोशल साइंस का एक बहुत बड़ा पार्ट इसमें आता है NCERT सोशल साइंस. तो NCERT बेस पे तो आप NCERT वाली जो बुक है सोशल साइंस की उसको बहुत अच्छे से पढ़ें. ये हो गया इसके बारे में. अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? बेसिकली इतना बड़ा एग्जाम हम लोग बात कर रहे हैं और हर साल 10 से 12 लाख बच्चे इसमें बैठते हैं तो कुछ तो बेनिफिट होंगे. बेसिकली मे बी एक स्कॉलरशिप है अपने को 1250 रुपीज़ की. 1250 रुपीज़ की हालांकि बच्चों को लग रहा होगा 1250 रुपये तो बहुत कम है, लेकिन यार ये एक बहुत प्रेस्टिजियस एग्जाम है. इसके बाद आपको बहुत सारी कोचिंग में बहुत अच्छी स्कॉलरशिप मिलती है. इसके बिहाफ पे लगभग 75% स्कॉलरशिप मिल जाती है. तो आजकल आप देख ही रहे हो कोचिंगों की फीस जहाँ लाख रुपए हो गई है, तो लाख रुपए में अगर 75% स्कॉलरशिप मिली तो 75,000 रुपये अपने ऐसे ही बच गए. तो ये हो गया. दूसरा, अपने को 1250 रुपये भी मिलेंगे ग्रेजुएशन तक, दूसरा फायदा ये हो गया. और तीसरा, एक
रिकॉग्निशन मिलती है आपको अगर आप एनकेएससी स्कॉलर हैं, तो आपको लोगों के मतलब एक बहुत अच्छा लेवल का एग्जाम है तो लोगों के बीच में एक फेम और एक रिकॉग्निशन मिलती है। इसलिए लगभग सारे के सारे जो स्कूल्स हैं वो इस एग्जाम को करवाते हैं, और मेरे हिसाब से टेंथ के बाद अगर टेंथ में आप हैं तो एनटीएससी का एग्जाम आपको जरूर देना चाहिए। अब इसके बारे में अगर बात करें तो कितने स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप मिलती है, ये भी आपके मन में क्वेश्चन होगा। हर साल लगभग 2000 बच्चों को ये स्कॉलरशिप मिलती थी, पहले 1500 बच्चों को मिलती थी, अब 2000 बच्चों को मिलती है। तो गाइस इसमें थोड़े बहुत चेंजेस हैं, इसमें पहले इंग्लिश का पेपर भी हुआ करता था, अब इंग्लिश का पेपर हट चुका है, मैथ होता है, सैट होता है, फर्स्ट स्टेज में 100-100 मार्क्स के दोनों पेपर होते हैं और इसमें स्कॉलरशिप है। तो ये सारे इसके बेनिफिट्स हैं, और अगर आप चाहें तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन एनसीईआरटी की अगर आप लोग चाहें तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप एनटीएससी की वेबसाइट पे जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं। कोई और अगर आपकी क्वेरीज है वी कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स। और इसी तरीके से हम लोग आगे ओलंपियाड, एक और ओलंपियाड आ गया है अभी, एनएससी नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन, जो कि बहुत ही अच्छा एग्जाम है, इसके बारे में भी हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू फॉर लाइकिंग अस एंड स्टे सेफ स्टे फिट इन दिस पैंडेमिक, टेक केयर ऑफ योर लविंग वंस एंड थैंक्स।